अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। आज जो है हम गजल के हवाले से, जो है कल हम गालिब की हालात जिंदगी जो है हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं, और आज जो है हम गालिब की आदमी खिदमात का जो है जायजा लेंगे। एक ही क्लास में जो है इनको जो इसको जो है कवर करना मुश्किल था, तो इसलिए जो है हमने गालिब के हवाले से जो है दो क्लासेस की है। एक में जो है कल हमने हालात जिंदगी बयान की, और आज जो है हम इनकी अदबी खिदमत पे जो है जायजा लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, और इसी के साथ जो है गालिब के साथ जो है साथ ही जो है इस यूनिट का जो है यूनिट 3 का जो कि गजल का यूनिट था ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अदबी खिदमत में जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे परतूस्तान। परतूस्तान सबसे पहले जो है क्या है, परतूस्तान जो है ये क्या है, इसमें जो है क्या है। गालिब ने जो है इसमें जो है खानदान तैमूर के नाम से जो है तारीखी हालात जो है इसमें बयान किए गए हैं, और किस जुबान में जो है वो बयान किए गए हैं, तो फारसी जुबान में। इसमें जो है क्या है, खानदान तैमूर। खानदान तैमूर के नाम तारीखी क्या है, इसमें तारीखी। खानदान तैमूर के नाम जो है इसमें तारीखी हालात जो है बयान किए गए हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है परतूस्तान जो है इसमें कौन से हालात बयान किए गए हैं, तो खानदान तैमूर के जो है तारीखी हालात जो है इसमें बयान किए गए हैं। किस जुबान में बयान किए गए हैं, तो फारसी जुबान में। किसमें, फारसी जुबान में, याद रखेंगे आप, फारसी जुबान में जो है वो हालात जो है बयान किए गए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दस्तंबू। दस्तंबू जो है ये क्या है, एक रोजनामचा है। क्या है, एक रोजनामचा है, अहम है। ये क्या है, एक रोजनामचा है। 1858 दस्तंबू जो है क्या है, एक रोजनामचा है जिसमें जो है गालिब ने फारसी जुबान में जो है 15 महीनों यानी मई, बात करेंगे इस पे, जिसमें गालिब ने फारसी जुबान में, कौन सी जुबान में, फारसी जुबान में, पंद्रह महीनों यानी मई 1857 से लेकर जो है, मई 1857 से लेकर जो है 1858 तक के गदर के हालात जो है इसमें कलमबंद किए गए हैं। हालात कलमबंद किए हैं, जो कि कब शाया हुआ, जो कि 1858 में जो है फिर शाया हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे दस्तंबू जो है क्या है, ये एक रोजनामचा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दस्तंबू जो है क्या है, तो ऑप्शन में होगा रोजनामचा है, तो आप क्या लगाएंगे, रोजनामचा। दस्तंबू क्या है, एक रोजनामचा है 1858 जिसमें जो है गालिब ने जो है फारसी जुबान में 15 महीनों यानी मई 1857 से लेकर जो है 1858 अगस्त तो जो है 15 महीने आते हैं, उससे लेकर जो है 1857 से लेकर जो है मई 1857 से लेकर जो है अगस्त 1858 तक जो है जो गदर के हालात जो है इसमें कलमबंद किए गए हैं। इसमें जो है कलमबंद किए गए हैं किस जुबान में, फारसी जुबान में, और ये कब शाया हुई, 1858 में जो है ये फिर शाया हुई। उसके बाद हम आगे बात करेंगे
उसके बाद जो है कहा आता है बुरहान, कहा आते बुरहान। कातिया बुरहान जो है ये क्या है? शाबाश, कातिया बुरहान जो है क्या है? कातिया बुरहान जो है 1862 ये क्या है? मोहम्मद हुसैन तबरीजी की फारसी लुगत। फारसी लुगत का क्या नाम है? बुरहान। कातिया में पाई जाने वाली जो है गलतियों की निशानदेही और इसकी जो है इस्लाह के बाद जो है गालिब ने इसके नाम से जो है कातिया बुरहान लिखा और ये किताब जो है तब छपी 1276 जो है क्या छपी है? कौन सी? बुरहान काते। हम बात करेंगे बुरहान काते जो है 1862 ये जो है मोहम्मद हुसैन तबरेजी की ये जो है मोहम्मद हुसैन तबरेजी की क्या है? मोहम्मद हुसैन तबरेजी की जो है फारसी लुगत। इसका क्या नाम है? फारसी लुगत का क्या नाम है? बुरहान काते। ये जो है बुरहान काते जो है ये जो है मोहम्मद हुसैन तबरेजी की जो है क्या है? फारसी लुगत है। बुरहान काते जो है फारसी लुगत है मोहम्मद हुसैन तबरेजी की और ये जो है इसमें जो है कुछ गलतियां जो है कुछ निशानदेही गलतियों की कुछ निशानदेही की गई थी और इसलिए की इसलाह जो के बाद जो है गालिब ने इसका नाम क्या रखा? गालिब ने इसका नाम जो है क्या रखा? काते बुरहान रखा। इसमें जो है कुछ गलतियां जो है निशानदेही की गई थी, उन गलती को जिसमें गलतियां की गई थी उसी को जो है इसलाह करने के बाद गालिब ने जो है उसका क्या नाम रखा? कातिया बुरहान। पहले क्या नाम था? बुरहान काते। उसके बाद क्या रखा? काते बुरहान जो है इसका नाम रखा और 1276 हिजरी में जो है ये छपी। उसके बाद हम बात करेंगे पंच आहंग। पंच आहंग ये क्या है? हम गालिब की बात कर रहे हैं, इनके कारनामे जो है गालिब के कारनामे है। पंच आहंग जो है क्या है? ये जो है पांच हिस्सों पर मुश्तमिल है। कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो ये जो है पांच हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये जो है पांच हिस्सों पर मुश्तमिल है पंच आहंग और एक किस जुबान में है? फारसी जुबान में है। और एक किस जुबान में है? फारसी जुबान में। याद रखेंगे आप, पंच आहंग जो है पांच हिस्सों पर मुश्तमिल है और फारसी जुबान में है ये। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है पंच आहंग जो है इसके कितने हिस्से हैं? तो पांच हिस्से हैं, पांच हिस्सों पर ये मुश्तमिल है और ये भी जो है किसमें? फारसी जुबान में। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कुलियाते फारसी। कुलियाते फारसी की बात करते हैं। कुलियाते फारसी जो है गालिब का फारसी कलाम। गालिब का फारसी कलाम 1835 में जो है मैं खाना आरिज़ू। कुलियात फारसी जो है गालिब का फारसी कलाम है जो कि 1835 ईस्वी में जो है मैं खाना आरिज़ू के नाम से शाया हुआ। किस नाम से शाया हुआ? किस नाम से शाया हुआ? कुलियात फारसी जो है फारसी कलाम है गालिब का जो कि 1835 ईस्वी में जो है किस नाम से शाया हुआ? तो मैं खाना आरिज़ू के नाम से शाया हुआ। किस नाम से शाया हुआ? मैं खाना आरिज़ू के नाम से शाया हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे सबुच्चीन के बारे में। सबुच्चीन के बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो है सबुच्चीन जो है अगर हम इसकी बात करेंगे इसमें जो है गालिब ने फारसी कलाम किए वो अशार दर्ज किए। कौन से अशार दर्ज किए? वो अशार दर्ज किए
जो फारसी कुलियात में शामिल होने से रह गए थे, जो फारसी कुलियात में, फारसी कुलियात कौन सी थी, कुलियाते फारसी, इसमें जो रह गए थे, इसमें जो अशार रह गए थे, उनको जो है किसमें शामिल किया गया, तो सबची में जो है इनको शामिल किया गया। समझ आ गए यहां तक। सबुचेन जो है इसमें जो है गालिब ने फारसी कलाम के वो अशार दर्ज किए, फारसी कलाम के कौन से अशार दर्ज किए जिनमें जो है फारसी कुलियात में जो है शामिल होने वाले से, जो है कुलियात में जो है शामिल होने से रह गए थे, इसमें जो है शामिल होने से रह गए थे अशार, वो जो है किसमें शामिल किए गालिब ने, तो सबुचेन में जो है इनको शामिल किया गया। उसके बाद हम बात करेंगे उसके बाद जो है गुले राना, गुले राना जो है क्या है, गुले राना जो है गालिब के दोस्त, गालिब के दोस्त जिनका क्या नाम था, गालिब के दोस्त मौलवी सिराज अहमद, ये क्या थे, गालिब के दोस्त थे। मौलवी सिराज अहमद की जो है फरमाइश से जो है इन्होंने अपने तमाम उर्दू फारसी दीवान का इंतखाब किया था और इसका नाम गुले राना रखा था, जो कि कब शाये हुआ, 1828 में। इनकी फरमाइश पर जो है गालिब ने जो है अपने दोस्त की फरमाइश पर, यानी मौलवी सिराज अहमद की फरमाइश पर जो है अपने तमाम उर्दू, अपने तमाम उर्दू फारसी दीवान का इंतखाब, दीवान का इंतखाब किया था, अपने फारसी सा पूरे जो है फारसी तमाम जो है इनके उर्दू फारसी दीवान जो थे उनका, इनका क्या किया, इंतखाब किया था, और इसका नाम क्या रखा, गुले राना रखा, गुले राना जो है इसका नाम रखा, जो फिर कब शाया हुआ, तो 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में जो है शाया हुआ। अब हम बात करेंगे गुले राना जो है, ये जो है गालिब के दोस्त जिनका क्या नाम था, मौलवी सिराजुद्दीन, इनकी फरमाइश पर जो है गालिब ने अपने इनके सारे तमाम जो थे इनके उर्दू और फारसी जो है दीवान का इंतखाब था, जो है फारसी दीवान की जो है उर्दू फारसी दीवान का जो क्या किया, इंतखाब किया था, और इसका नाम क्या रखा, गुले राना रखा, जो कब शाये हुआ, 1828 ईस्वी में। उसके बाद हम बात करेंगे गालिब की जो है खतूत नवेसी के बारे में, गालिब की खतूत नवेसी के बारे में अब हम बात करेंगे, जो कि अहम है एग्जाम के हवाले से, तो आपको पता होना जरूरी, आपको पता होना जरूरी है। हम बात करेंगे गालिब की खतूत नवेसी, गालिब की खतूत नवेसी, गालिब की खतूत नवेसी, सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे गालिब का जो पहला खतूत का मजमुआ है, क्या नाम है उसका, औदे हिंदी, औदे हिंदी, औदे हिंदी जो है गालिब के खतूत का पहला मजमुआ है, गालिब के खतूत का क्या है, पहला मजमुआ है। गालिब के खुदूत का पहला मजमुआ है औदे हिंदी, जिसमें जो है कितने खतूत है, जिसमें जो है कितने खतूत है, तो 162 जो है इसमें क्या है, खतूत है। और जो गालिब के इंतकाल के 4 महीने पहले, 4 महीने पहले यानी 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर 1868, गालिब का इंतकाल कब हुआ था, 1869 में, और इसको जो है कब शाया किया गया, गालिब के जो है इंतकाल के 4 महीने पहले जो है 17 अक्टूबर 1868 में जो है इसको शाया किया गया।
1868 में। और दूसरे जो हम बात करेंगे, जो दूसरे खतूत का दूसरा खतूत का मजमुआ है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है उर्दू ए मौला। अहम है दोनों एग्जाम के हवाले से, दूसरा जो है उर्दू ए मौला। उर्दू ए मौला जो है गालिब की खतूत का कौन सा मजमुआ है? तो दूसरा मजमुआ है। पहला कौन सा है? और हिंदी जो है पहला मजमुआ है, और उर्दू ए मौला जो है खतूत का दूसरा मजमुआ। इसमें जो है कितने खतूत शामिल है? तो 478। इसमें कितने थे? 162। और इसमें जो है 472 जो है इसमें खतूत शामिल है। और एक गालिब के इंतकाल के 19 दिन बाद जो है, 19 दिन बाद, पहले नहीं 19 दिन बाद, यानी मार्च 1869, मार्च 1869 में शाया हुआ। कब शाया हुआ पहला जो है औदी हिंदी जो है? कब शाया हुआ? गालिब के इंतकाल के 4 महीने पहले, यानी कि 17 अक्टूबर 1868 में शाया हुआ। और अगर हम उर्दू ए मौला की बात करेंगे, गालिब के जो है इंतकाल के बाद 19 दिन बाद जो है मार्च 1869 में जो है इसको शाया किया गया। तो आप सभी को पता है उर्दू ए मौला का जो है दिबाचा किसने लिखा था? उर्दू ए मौला का जो है दिबाचा किसने लिखा था? तो मीर मेहदी मजरू ने, मीर मेहदी मजरू ने जो है इसका दिबाचा लिखा था। किसका? उर्दू ए मौला का। और आप सभी लोगों को पता होगा, मैं इससे पहले पढ़ा चुकी हूँ, जब मैं जो है हसरत मोहानी के बारे में जो है आपको पढ़ाया है, तब जो है मैंने ये पढ़ाया है उर्दू मौला जो है ये किन का रिसाला है, उर्दू जो है उर्दू मौला जो है अखबार जो है किन का है, तब मैंने बोला भी था हसरत मोहानी का है। हसरत मोहानी का भी क्या है, इस नाम से एक रिसाला है उर्दू मौला। तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं जो कि एग्जाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा गया है। मकातीबे गालिब, मकातीबे गालिब बहुत ही अहम एग्जाम के हवाले से। एक बार जो है इस पे क्वेश्चन जो है बन चुका है, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, लेकिन इस हाँ शायद ये क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको जो है किसने मुरतब किया, मकातीबे गालिब को जो है किसने मुरतब किया, शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। मकातीबे गालिब जो है, गालिब पर जो है सबसे ज्यादा काम किसने किया है? तो इम्तियाज अली उर्शी ने जो है सबसे ज्यादा काम किया है, तो इसी ने जो है इसको शाया भी कराया 1937 में, इम्तियाज अली उर्शी, मौलाना इम्तियाज अली उर्शी, अहम है। मकातीबे गालिब को जो है इम्तियाज अली उर्शी ने जो है क्या किया है, शाया किया है 1937 ईस्वी में। उसके बाद बात करेंगे रुकाते गालिब, रुकाते गालिब ये भी जो है फारसी में लिखे गए खतूत का क्या है, फारसी में लिखे गए खतूत का मजमुआ है। फारसी में लिखे गए खतूत का क्या है, मजमुआ है, जिसमें कितने मकातूब है? तो 15 जो है इसमें मकतूब है, इसमें सॉरी 15 मकतूब है इसमें, किसमें? रुकाते गालिब में। ये भी जो है फारसी में लिखा गया मजमुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे, गालिब ने जो है सबसे ज्यादा जो है फारसी कलाम पे ही बात की थी, क्योंकि उनको जो है उर्दू कलाम से ज्यादा जो है फारसी कलाम पसंद था, उर्दू से ज्यादा जो है उनको कौन सा कलाम पसंद था? गालिब को जो है फारसी कलाम बहुत ही ज्यादा पसंद था। उसके बाद हम आगे बात करेंगे नादिराते गालिब, नादिराते गालिब, नादिराते गालिब जो है क्या है, ये भी क्या है, खतूत का मजमुआ है, खतूत का मजमुआ, खतूत का मजमुआ है। 47 जो है इसमें खतूत है, 47 खतूत का मजमुआ है, जो कि 1869 ईस्वी में जो है शाया हुआ, जब गालिब की जो है वफात हुई थी उसी साल में जो है इसको क्या किया गया था, शाया किया गया था। इसमें जो है
जो है कितने खतूत का मजमुआ है, तो 47 खतूत का ये मजमुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे गालिब ने जो है उर्दू में जो है खतूत नवीसी का आगाज कब किया था। उर्दू में जो बोल रही हूँ मैं, गालिब ने उर्दू में खतूत नवीसी का आगाज कब किया था, तो 1847 टू 48 में जो है इन्होंने किया था उर्दू में खतूत नवीसी का आगाज, अब याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आगे, उसके बाद जो हम आगे बात करेंगे गालिब ने जो है कुल तादाद अगर मसनून की बात करेंगे तो कुल जो है गालिब ने जो है कुल 11 मसनूनियां लिखी है। कुल तादाद की अगर हम बात करेंगे गालिब की मसनूनियां जो है कुल कितनी है, तो 11 है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे दीवान ए गालिब जो है, गालिब के उर्दू दीवान में जो है अशार की तादाद कितनी है, 1095 जो है इसमें क्या थे, अशार थे। किसमें? उर्दू दीवान में। उर्दू दीवान ए गालिब जो है गालिब की जिंदगी में जो है कितनी बार शाया हुआ था, दीवान ए गालिब जो है गालिब की जिंदगी में, यानी कि मौत से पहले गालिब की जिंदगी में ही 5 बार शाया हुआ। कितनी बार? 5 बार। दीवाने गालिब जो है गालिब की जिंदगी में ही जो है 5 बार शाया हुआ। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पहली बार शाया कब हुआ था, तो पहली बार जो है 1841 में। पहली बार कब? 1841 में। और दूसरी बार कब शाया किया गया था, तो 1847 में। पहली बार 1841, दूसरी बार 1847, और तीसरी बार जो है 1861 में, और चौथी बार अगर हम बात करेंगे तो 1862 में, और पांचवी बार जो है 1863 में। और हम बात करेंगे गालिब का इंतकाल कब हुआ था, तो 1869 में। यानी कि इनकी जिंदगी में जो मैं ही जो है दीवाने गालिब जो है 5 बार जो है शाया हुआ। 1841, 1847, 1861, 62 एंड जो है 1843। उसके बाद हम गालिब की बात करेंगे, गालिब की कसायद की बात करेंगे। गालिब के जो है उर्दू में जो है उर्दू दीवान में कुल कितने कसायद है, तो 4 कसायद है। उर्दू दीवान में जो है गालिब के उर्दू दीवान, गालिब के जो है उर्दू दीवान में कुल 4 कसीदे हैं। कितने कसीदे हैं? तो 4 है। उर्दू दीवान में 4 है, तो जिनमें जो है दो कसीदे हजरत अली की मनकबत में गालिब के उर्दू दीवान में जो है कितने जो है कसीदे हैं, कुल जो है 4 कसीदे हैं। दो कसीदे जो है अगर हम बात करेंगे हजरत अली की मनकबत में है, और आखिर के दो कसीदे किसकी मदा में है, तो बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर के जो है की मदा में जो है दो कसीदे हैं, दो कसीदे हजरत अली की मनकबत में, और आखिर के दो कसीदे बहादुर शाह जफर की मदद में, बहादुर शाह जफर की मदद में। और किन कसीदों की बात की मैंने, उर्दू दीवान में जो इनके कसीदे थे वो 4 थे, जो दो किन की मनकबत में थे, तो हजरत अली की मनकबत में थे, और दो जो है बहादुर शाह की जफर की जो है मदद में है। उसके बाद जो हम आगे बात करेंगे गालिब की 4 मुख्तसर कसीदे हैं जो अंग्रेजी हिकाम की मदा में है। इसी तरह गालिब के कितने कसीदे हो गए, तो 8 कसीदे हो गए टोटल। तो सब पहले मैंने बात की इनके 4 कसीदे थे जो कि हजरत अली की मनकबत में 2 थे, और 2 किसकी मदा में थे, तो बहादुर शाह जफर की मदा में थे, वो कितने हो गए, 4। उसके बाद हमने बात की गालिब की 4, उन 4 के अलावा जो है गालिब के और 4 जो है मुख्तसर कसीदे और है जो अंग्रेजी
जो अंग्रेजी ही काम के मदह में है। इस तरह जो है गालिब के कितने कसीदे हो गए, तो 8 कसीदे हो गए, 8 कसीदे। इस तरह गालिब के जो है कितने कसीदे हो गए, तो 8 कसीदे हो गए। और मैंने पहले ही बात की है, और गालिब ने जो है अपने कलाम में सबसे ज्यादा पसंद जो है किस कलाम को किया था, तो फारसी कलाम को किया था, और इसी पर जो है सबसे ज्यादा जो है अहमियत भी दी गई थी, इनके फारसी कलाम को ही जो सबसे ज्यादा अहमियत भी दी गई थी। हम बात करेंगे गालिब पर जो है नुक्ताचीनी किसने की थी, गालिब पर जो है नुक्ताचीनी किसने की थी, नुक्ताचीनी किसने की थी, यानी इन पर जो है तनकीद किसने की थी, तो किसने की थी, यासगाना चंगेजी ने, यासगाना, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, यासगाना चंगेजी, जिनको जो है गालिब शिगन के नाम से भी जो है जाना जाता है। इन्होंने जो है यासगाना चंगेजी ने ही जो है गालिब पर जो है क्या की है, नुक्ताचीनी